डिस्कवर 125 सीसी का बाइक है, इसमें प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम क्या, पिकअप नहीं लेता यार, हफ्ता दस दिन में पलक खराब हो जाता है। पलक में क्या ऑयल आ जाता है। मैं इस वीडियो में बताएंगे पिस्टन कैसा खराब होता है। देखो दोस्तों, अब स्टार हो गया, स्टार है गाड़ी, पिकअप नहीं लेता है, किसका पलक खराब हो चुका है। इस पिस्टन अभी निकालेंगे, पूरा देखते रहे वीडियो में कैसा खुलना पड़ता है। कॉइल सब खुलना पड़ेगा, चार बोल खुलना पड़ता है कवर का। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 8-9 मिनट में खुल देंगे पूरा हेड ब्लॉक। ये 12 नंबर खुलना पड़ेगा, 2 12 नंबर हो गया, नीचे वाला एक स्टेट खुलना होगा, नहीं तो हेड नहीं निकलेगा। बॉडी का साथ और हेड का साथ फिटिंग आता ही है। दोस्तों अभी साइलेंसर निकालेंगे, निकालो साइलेंसर, निकल गया। अभी स्टेट को खुलो, चार स्टेट होता है इस 12 नंबर की। बहुत ही जाम होता है स्टेट, चार स्टेट खुलना होता है इसे। गाड़ी दोस्तों कितना 54,000 किलोमीटर चल चुका है, 54,632 किलोमीटर चल चुका है। फास्ट खुल रहा है अभी हम लोग। इसमें खराबी पिस्टन में आ गया, पिस्टन भाल को सब बदल देंगे, टाइमिंग सेम भी बदल देंगे। बावन नंबर पी से खुलते हैं। टाइमिंग चेन का एल की बोल्ट ये खुलना पड़ेगा, टाइमिंग चेन का स्पॉकेट। छेनी मार के खुले ना, जाम हो गया था। छोटो टाइम तो बारह नंबर दोस्तों,
दोस्तों सिलेंडर किट हो गया। निकल गया, पिस्टन को निकालेंगे, इसमें कार्बन आ गया, इसमें कपड़ा डाल देते हैं ताकि लॉक अंदर ना घुसे, फिर दिक्कत हो जाएगा। पिस्टन पिन का लॉक हो गया, निकल गया, थोड़ा पिन को ठीक हो जैसे निकल गया दोस्तों। पूरा निकाल दिया हम लोग, पिस्टन हो गया, पूरा कार्बन आ गया, का इधर मोबाइल चटता है, ये कार्बन आ गया, भाल्व जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए रिंग जो है ये पूरा डाउन हो गया, घिस गया, ऑयल जो है ऊपर आ जाता है, ऊपर आके जल जाता है, इसलिए धुआं भी मारता है, प्लग भी शॉर्ट हो जाता है, इसलिए हम लोग पिस्टन नया डालेंगे अभी, ये फास्ट खुले हम लोग 25 का पिस्टन लगाएंगे इसमें, ये दोनों को वाल्व कहता है, ये वाल्व भी चेंज करेंगे ताकि गाड़ी का कंप्रेसर अच्छा बने। ये टाइमिंग चेन हो गया दोस्तों, टाइमिंग चेन भी बदल देंगे, इसको अभी ले जाना पड़ेगा, इस सिलेंडर को लेद में हम लोग को दुकान से लगभग 15-16 किलोमीटर दूर जाना होगा कटिंग करने के लिए। स्टैंडर्ड लगवा है, अभी 25 का डालेंगे पिस्टन। वीडियो यहीं पर एंड कर देते हैं, जब फिटिंग करेंगे उसके अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरा डिटेल्स बताएंगे कैसा फिटिंग होता है। वीडियो यहीं पे एंड कर देते हैं।